शरीर के इन हिस्सों में होने लगा है दर्द, तो समझ जाइए बढ़ रहा है आपका कोलेस्ट्रॉल। जानिए हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कई कारणों से हमारे शरीर में बढ़ सकती है और इसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी होने लगती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का समय रहते पता लगाना बहुत ही जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा पदार्थ है जो खून में पाया जाता है और धमनियों में जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने के कारण हार्ट अटैक का खतरा भी सर पर मंडराने लगता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर धमनियों का सुचारू रूप से रक्त प्रवाह अवरोधित होने लगता है, जिसे सेहत से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होने लगती है। यहाँ हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में आपको बताएंगे जो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण शरीर पर नजर आने लगते हैं और जिनके दिखने पर समय रहते इसे छुटकारा पाने की कोशिश शुरू से ही कर देनी चाहिए। आमतौर पर सही खान पान और एक्सरसाइज की मदद से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया है तो सीने में दर्द होने लगती है, और अगर कभी कभार अगर छाती पे हाथ अगर रखोगे तो आपको दर्द महसूस होगा, या फिर समय समय पे अचानक आपके सीने में अचानक दर्द भी उठ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण पैरों की धमनियों तक रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। इससे खून सही तरह से पैरों तक नहीं पहुंचता, जिस कारण चलने फिरने में दिक्कतें हो सकती है। पैरों में दर्द होता है और पैरों की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। इसके अलावा पैर जरूरत से ज्यादा ठंडे पड़ सकते हैं। सीने में किसी भी हिस्से के अलावा सीधा दिल में दर्द होना भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का निशानी है। कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। अब चलिए हम जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है हाई कोलेस्ट्रॉल का, यानी कि किन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। तो चलिए हम जानते हैं। तो पहला, वैसे लोग जो अच्छा भोजन नहीं करते हैं और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उसे अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें आती है। और वैसे लोग जो डिब्बाबंद चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, उनके शरीर में भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। और वैसे भी लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसका शरीर मोटा हो गया है, यानी कोई भी पर्सन का अगर शरीर मोटा हो गया है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। और अधिक से अधिक लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसका शरीर मोटा हो चुका है। और एक कारण और भी है कि जो लोग धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, उन्हें भी हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें हो सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें, और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हेल्थ के अलावा एजुकेशन और मोटिवेशन का भी वीडियो अपलोड होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना से जितना हो सके आप शेयर करें, खास करके वैसे लोगों को जो लोग मोटे हैं और थोड़ा आलसी हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।